नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ग्लोबल एटॉमिक नेटवर्क में टीम वॉरियर इंडिया में। दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में एटॉमिक का रजिस्ट्रेशन इंडिया में कैसे करें। एटॉमिक का जो रजिस्ट्रेशन है वो एज ए कंज्यूमर मेंबर हो रहा है अभी, फ्री आईडी रजिस्ट्रेशन, ठीक है। तो इसका रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस पिछले साल 2 से 3 बार ये चेंज हुआ है, अक्टूबर में और नवंबर में। अभी जनवरी 2020 से एग्जैक्ट प्रोसेस क्या है वो देखिए आप इस वीडियो में, ठीक है। तो सबसे पहले atomic.kr पे आप लॉगिन करोगे, ये ऑफिशियल वेबसाइट है कोरिया की वेबसाइट पे अभी रजिस्ट्रेशन हो रहा है ऑलरेडी, ठीक है। उसके बाद आपको जो ऊपर देख रहे हैं ज्वाइन, ठीक है, सेकेंड स्टेप है ज्वाइन, और इसके ज्वाइन के ऊपर आपको क्लिक करना है यहाँ पे, ठीक है। और जैसे आप ज्वाइन के ऊपर क्लिक करेंगे तो एक नई विंडो ओपन होगी इस तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके से जो राइट साइड में 20 ईयर्स एंड ओल्डर दिखा रखा है, फॉरनर्स लिविंग एब्रोड, तो यहाँ पे ज्वाइन पे आपको क्लिक करना है। तो जैसे ज्वाइन पे क्लिक करोगे तो फिर एक नई विंडो ओपन होगी, ठीक है। और 20 साल से कम एज होनी चाहिए आपकी इंडिया में, तभी आप इसके मेंबर बन पाओगे। तो इस तरीके से एक छोटी विंडो ओपन होगी टर्म्स एंड कंडीशन की, जो कि लीगल टर्म्स एंड कंडीशन है एटॉमिक जो आपको फॉलो करनी है। इसमें आपको दिखा रखा है कि कपल मेंबर सिर्फ एक 1 ID रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, हस्बैंड और वाइफ ओनली 1 ID, ठीक है। और सिंगल मेंबर 1 ID, एक ही मेंबर की एक ID होगी। आई एग्री पे क्लिक कीजिए, फिर नेक्स्ट एग्री पे, ठीक है। तो इस तरीके से ये विंडो ओपन हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, इसमें आपको आपकी सारी जानकारी डिटेल्स बिल्कुल सही तरीके से भरनी है, कोई भी मिस्टेक नहीं करनी है, ठीक है। दो बार आपको चेक करना है, सबसे पहले तो इंडिया सेलेक्ट कर रखा है ऑलरेडी, मेल या फीमेल है वो सेलेक्ट करना है आपको, ठीक है। उसके बाद एड्रेस प्रूफ डॉक्यूमेंट यहाँ पे 4 दिए गए हैं, आधार कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी और ड्राइविंग लाइसेंस। तो इसमें से या तो आप आधार कार्ड डाल सकते हो या वोटर आईडी डाल सकते हो या पासपोर्ट डाल सकते हो या ड्राइविंग लाइसेंस, और उसका नंबर नीचे आपको डालना है। जैसे आधार कार्ड सेलेक्ट कर लिया मैंने तो उसका आधार कार्ड नंबर यहाँ पे डालना है, फिर उसकी पिक अपलोड करनी है। फ्रंट पिक इस पहले बॉक्स में जो चूज फाइल कर रखा है इस पर क्लिक करना है, अपलोड करनी है। नीचे वाले में बैक पिक आपको अपलोड करनी है, और राइट साइड पे जो 4 बॉक्स देख रहे हैं इनमें आपको क्लिक करना है, ठीक है। और यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ डालनी है जो एग्जैक्ट आपके बैंक अकाउंट में है, पैन कार्ड में है और आधार कार्ड में, सही डेट ऑफ बर्थ। फिर पासवर्ड आपको डालना है यहाँ पे 6 से 8-10 डिजिट का, और फिर रिपीट पासवर्ड डालना। पासवर्ड थोड़ा डिफिकल्ट डालना है, ईजी पासवर्ड किसी को नहीं डालना है, ठीक है। और यहाँ पे गेस्ट पासवर्ड 8 डिजिट में आप कुछ भी डाल सकते हो, ठीक है। और उसके बाद फ़ोन नंबर का पहला कॉलम ब्लैंक, और दूसरा जो सेल फोन नंबर लिखा है यहाँ पे आपको 4 डिजिट और 2 10 अंकों का अपना मोबाइल नंबर डालना है, ऊपर वाले में कुछ नहीं डालना है, ठीक है। इसमें 10 अंकों का मोबाइल नंबर डालना है, 4-4-2 डिजिट करके। फिर आपको पिन कोड डालना है, आपका जो एरिया है वहाँ का पिन कोड। फिर यहाँ पे आपको एड्रेस डालना है, 2 बॉक्स दिए गए हैं, ऊपर वाले बॉक्स में अगर कम पड़ता है तो नीचे वाला बॉक्स आप यूज़ कर सकते हैं एड्रेस, ठीक है, होम एड्रेस डालना है। और जो लास्ट स्टेप है ईमेल आईडी, यहाँ पे आपको ईमेल आईडी डालना है, जैसे mohan@gmail.com, तो @आपको नहीं लिखना है यहाँ पे, @सेंटर में दिया गया, ठीक है, ramshyam@gmail.com या omail.com जो भी है, ठीक है। फिर राइट साइड पे आई एग्री का बॉक्स है, इस पर आपको क्लिक करना है पूरा फॉर्म भरने के बाद, ठीक है, सारी डिटेल्स भरने के बाद। फिर लास्ट में आता है पैन कार्ड, आपका कैपिटल लेटर में आपका पैन कार्ड नंबर डालना है यहाँ पे, ठीक है। जैसे आप पैन कार्ड डालोगे कैपिटल लेटर में तो राइट साइड पे वेरिफिकेशन पे क्लिक करोगे तो दोस्तों ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो टैक्स डिपार्टमेंट है थर्ड पार्टी के थ्रू आपका पैन कार्ड यहाँ पे वेरीफाई हो जाएगा, जो कि बहुत बड़ी बात है। डायरेक्ट गवर्नमेंट के अकाउंट से थर्ड पार्टी के थ्रू एटॉमिक आपका पैन कार्ड वेरीफिकेशन करेगी यहाँ पे, ठीक है। जैसे पैन कार्ड वेरीफिकेशन हो जाएगा तो उसका नाम उसके नीचे आ जाएगा बॉक्स में, देखिए जैसे हम वेरीफिकेशन पे मैं क्लिक कर रहा हूँ यहाँ पे, तो जैसे हम क्लिक करते हैं वेरीफिकेशन के ऊपर एक छोटी सी विंडो ओपन होगी ऊपर इस तरीके से, वेरीफाइड सक्सेसफुली, इस तरीके से विंडो ओपन होगी, और ये आपका पैन कार्ड है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो टैक्स डिपार्टमेंट है थर्ड पार्टी के थ्रू एटॉमिक आपका वेरीफाई करवा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे ओके पे आपको क्लिक करना है, जैसे ही आप ओके पे क्लिक कर देंगे ऊपर तो आपका पैन कार्ड पे जो नाम है, जो भी नाम है वो नीचे आ जाएगा आपके, ठीक है, पैन कार्ड नंबर के नीचे आपका नाम आ जाएगा। नेक्स्ट में आप देखिए, ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है ओके, और तो आपका नाम इसके बिल्कुल नीचे आ जाएगा जो एग्जैक्टली आपका पैन कार्ड में दिया गया है यहाँ पर, ठीक है। तो जो पैन कार्ड नंबर है कैपिटल लेटर में डालना है आपको, ठीक है, और उसके बाद पैन कार्ड नंबर डालने के बाद आपको जो नेक्स्ट नीचे कन्फर्म दिया गया है उस पर क्लिक करना है, ठीक है। देखिए इस तरीके से आपका नाम यहाँ पे नीचे आ जाएगा, ठीक है, जो भी पैन कार्ड पे नाम लिखा होगा, अगर वो नाम सही है तो आपको आगे बढ़ना है, कन्फर्म पे क्लिक करना है, नीचे का जो बॉक्स दे रहे हैं देख रहे हैं आप, उस पर कन्फर्म पे क्लिक करना है। तो ये कई बार क्या होता है कि जो छोटा बॉक्स दिख रहा है वहाँ पे लोग क्लिक नहीं करते, ठीक है। नेक्स्ट जो स्टेप है उसमें आपको स्पॉन्सर आईडी डालना है, जिस पर्सन के नीचे आपको आईडी डालना है, जो भी आपकी टीम में लेफ्ट या राइट में जो लास्ट आईडी है
जिसके नीचे आईडी स्पॉन्सर करनी है, उसका स्पॉन्सर आईडी नंबर डालना है, फिर उसका नाम आ जाएगा। जैसे हम कंफर्म के ऊपर क्लिक करेंगे, नीचे सेंटर है, ठीक है, यहाँ पे आपको स्पॉन्सर आईडी डालनी है और कंफर्म पे क्लिक करना है, तो उसका नाम एग्जैक्टली यहाँ पे आ जाएगा जिस आईडी के नीचे आप ये आईडी प्लेस कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से चेक स्पॉन्सर आईडी आपकी सही है कि नहीं, उस बंदे के नीचे आप डाल रहे हैं उसका आईडी नंबर सही है कि नहीं, नाम सही है कि नहीं, वो चीज़ें अगर सही दिखा रहा है तो कन्फर्म पर आपको क्लिक करना है, ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है, ठीक है। फिर उसके बाद सेंटर सेलेक्ट करना है। तो दोस्तों अभी टीम वॉरियर में जितने भी आइडिया लग रही हैं, साउथ कोरिया का जो सियोल है, सियोल सेंटर रॉयल वर्ल्ड के नीचे फोर्थ, 1 2 3 फोर्थ सेलेक्ट करना है आपको अगर आप टीम वॉरियर में हो। तो इस तरीके से सेलेक्ट करके नेक्स्ट जो स्टेप है उसमें आपकी जो इन्फॉर्मेशन आपने भरी है वो सारी आपको चेक कर रहे हैं, नाम, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी, जो भी इसमें दिखाया जाएगा। और जो सियोल सेंटर है, नीचे आपने जो सेंटर सेलेक्ट किया है वो, और यहाँ पे स्पॉन्सर आईडी का नाम, नंबर और नीचे सियोल सेंटर, वो जैसे ही होता है तो आपको डन करना है यहाँ पे, ठीक है। राइट साइड में नीचे क्लिक करना है आपको। क्लिक करते ही आपकी दोस्तों आईडी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी, यहाँ पे आपका नाम, पास और मेंबर नंबर, पासवर्ड और नीचे दोनों चीज़ें आएंगी, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी आईडी यहाँ पे एटोमी में रजिस्ट्रेशन हो चुकी है एज ए कंज्यूमर मेंबर। जब एटोमी इंडिया ऑफिशियली की वेबसाइट आएगी इंडिया के, तो वहाँ पे आपको अकाउंट, आपका बिजनेस अकाउंट में कन्वर्ट करना होगा, ठीक है। अभी सभी लोग एज ए कंज्यूमर मेंबर ज्वाइन कर रहे हैं। अगर आप टीम वॉरियर के साथ ज्वाइन होना चाहते हैं दोस्तों, तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में हमारे लीडर्स के ऑल ओवर इंडिया लेवल पर नंबर दिए गए हैं, आप हमें कॉल कीजिए, व्हाट्सअप कीजिए। टीम वॉरियर की तरफ से आपको और आपकी टीम को नेशनली, इंटरनेशनली पूरा सहयोग।